उसने कॉल की मेरे भाई को, उसको बोलने लगा भाई ऐसा है कि आप अपने भाई को सैड कर दो। सैड का मतलब थ्रेड होती है, थ्रेड किसी को बोलते हैं कि सैड हो जाए। सैड का मतलब, इसका मतलब है कल ये दुनिया से भी सैड कर देंगे। इसका मतलब ये ना, आप पढ़े लिखे हो। फिर उसके बाद उसने शायद उनको पता था कि आप खतरे में हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप भी सैड हो जाओ। हाँ, जब मेरे और कंट सैड हो जा। दैनिक स्टेट समाचार में आप सबका स्वागत है, मैं हूं सरफराज खान। वक्तन फवक्तन हम आपको जो है वो अलग अलग विचार के ऊपर जो है वो अपडेट देते रहते हैं। मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हुई हैं, ये पंचायत बैरामगला वार्ड नंबर 3 के पंच हैं, तारिक हुसैन इनका नाम है। और लगातार ये पिछले 2-3 दिन से जो है वो हमें बराबर जो है वो रबते करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप सब जानते हैं कि प्रेस एसोसिएशन सुरन कोर्ट का जो है वो धरना था किसी मामले के ऊपर, जिसके कारण जो है वो हम इन तक नहीं पहुंच पाए। और इनका कहना है कि इनको जो है वो अननोन लोगों की तरफ से जो है वो थ्रेड मिली है। अब वो कौन लोग हैं, क्या हैं, इन्हीं से जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। तारिक साहब बताइए पूरे मामले के बारे में, ये वाकया जो है वो किस तरह से पेश आया, जिस तरह से आपने जो है वो कहा कि मुझे जो है वो किसी से थ्रेड मिली है, वो अननोन आदमी है, कौन है, क्या है। शुक्रिया सरफराज जी, आपका चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। ये मसला है कि जब उस 29 तारीख को कहीं इधर गाड़ियाँ बंद की हैं, मुझे नहीं पता, वो पता होगा ये अपने पुलिस डिपार्टमेंट को या किसी और को पता होगा, हाई अथॉरिटी को पता होगा। मेरे पास तो खाली पंचायत के हम मेम्बर हैं, हमारा काम है अपना, हमारा कनेक्शन जो जुड़ा होता है वह BDO दफ्तर तक, डेवलपमेंट के क्रेम रोकना, स्मगलिंग रोकना हमारा काम नहीं है। अगर ये लोग हमारे पर, मेरे पर एलिगेशन लगा रहे थे कि पंच ने गाड़ियाँ बंद की, रात को मुझे आने जाने फ़ोन आते रहे कि आपने गाड़ियाँ बंद की हैं, माल मनीषी गाड़ी बंद की हैं, तो मैं उनको बार बार कहता था यार मेरा काम नहीं है, ये पूछो आप। फिर मैंने बार बार सबको पूछा, फिर जब मैं, मुझे DDC रियाज साहब का फ़ोन श्रीनगर से आया, उसने बोला यार ये बात है। मैंने बोला यार तू खुद आ इधर, पूछ इन लोगों से जो बात कर, मेरे बारे में बात कर रहे हो। उसने बोला आ रहा हूँ। जब वो यहाँ पहुँचे 11 बजे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, पहले मेरे भाई को फ़ोन किया वहाँ रजौरी में, तो बोलने का उसका सोचा था वो नाका चला गया है, कहाँ अपना पनाड़ नाका लगाने। मैं उसको ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे पावर दी है नाके लगाने? अगर मुझे पावर दी है फिर ये पुलिस का क्या काम है? फिर पुलिस का क्या काम है? अगर ये क्रेम रोकना, ये सब अपना अपना डिपार्टमेंट के अंडर था। DDC का काम है डेवलपमेंट करनी, DDC मेरा काम है डेवलपमेंट करनी, लोगों के काम, गरीबों की जो इस वक्त देखो ना, हमारी पंचायत के अंदर इस वक्त लोगों के 2018 से लेकर अभी तक लोगों, गरीबों के लोगों के मकान की किस्तें रुकी हुई हैं, निर्गा का पैसा रुका हुआ है, उसके बारे में ना DDC बोलते हैं, ना BDC बोलते हैं, ना हमारी पंचायत के बाकी कोई मेम्बर बोलता है। अब देखो ना, जैसे मुझे कोई डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट तो मुझे दिया नहीं गया, ये मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि होम डिपार्टमेंट मुझे नहीं दिया, फिर मुझे मेरी भी इज्जत है। अगर ये लुच्चे लफंगे लोग जो काम इलीगल करते हैं या लीगल करते हैं, वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम अपना है। फिर मुझे बदनाम करे, कल मान लो कल को किसी गांव में, इस गांव में हादसा हो जाता है, तो बदनाम तो मेरी भी तो इज्जत है ना। फिर मैंने उसको बुलाया, उसने बैठना था इधर, मुझे बिठाना था, जो लोग मुझे बता रहे थे DDC साहब, हाँ, तो जब रात को उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने उसको बोला भाई आप ये मुझे बताओ कि मैं आपको किसने बताया कि मैं पनाड़ में हूँ? वो एक जिम्मेदार आदमी को चेयर पर बैठा हुआ है, उसको ये किसी के कहने पर नहीं, मुझे फ़ोन नहीं करना चाहिए था उसको, पहले पेशिंग करके जानी चाहिए, तहकीकत करके फिर मुझे फ़ोन करना चाहिए था। फिर चलो किसी के कहने पर उसने फ़ोन किया। फिर जब मैं सुबह बोलने लगा, मेरे पास और रिकॉर्डिंग है, सुबह बोलने लगा, जब मेरी बीवी ने बात की उससे, बोलने लगा मैं सुबह उधर ही आऊँगा, तो चलो हमने सोचा आएगा मसला बात हल हो जाएगी। उसके बाद उसने क्या किया, सुबह यहाँ चले गए, दानू बैठ के चले गए, शराफ जो सरपंच का घर वाला चले गए, फिर वो तो चले गए, उनने तो ये दिखा दिया कि ये मुझे तो चोर साबित करके चले गए ना। उन एलिगेशन जब लगे थे, मैंने जब वो श्रीनगर से आ रहा था, मुझे फ़ोन किया उसने, इसका मतलब है जो उन्होंने मुझे, मेरे पर एलिगेशन लगा दिया। इसलिए मैंने आपके चेयर, आपको कंप्लेंट की थी आपके मीडिया को, मैंने उस दिन मेरे इंटरव्यू दिया था, तो उसके बाद मैंने कानून का सहारा लिया, कानून से बाहर तो हम जा नहीं सकते। फिर मैंने एप्लीकेशन दायर किया, एक मंजूर मनास है डुगरा का, वो अगर मान लो मैं यहाँ से डुगरा जाता हूँ, 2 साल से वहाँ बैठता हूँ, और कोई तो कोई आदमी मुझे पूछा तू किस लिए बैठा, फिर वो मेरे साथ 2 बार यहाँ उलझा बस स्टैंड पे, मुझे पूछा तू कौन है, मैंने उसको बोला भाई मैं तो एक PR हूँ, आप कौन हो?
आप तो पर्चा कराइए, अगर या तो फिर पुलिस को पता होगा भाई ये किस चीज किस काम के लिए 2 साल से यहाँ बैठे। जानना चाह रहा हूँ जो आपको फोन कॉल्स आए हैं DDC की तरफ से, उस फोन कॉल्स में जो है वो DDC साहब ने आपसे क्या कहा है? जब DDC साहब ने मुझे रात को 11 बजे पहले उसने फ़ोन कॉल की मेरे भाई को, रजौरी, मेरा स्विच ऑफ था, मेरी बेड डेड थी, मैंने लगाया तो उसने कॉल की मेरे भाई को, उसको बोलने लगा भाई ऐसा है कि आप अपने भाई को सैड कर दो। सैड का मतलब थ्रेड होती है, थ्रेड किसी को बोलते हैं कि सैड हो जाए। सैड का मतलब, इसका मतलब है कल ये दुनिया से भी सैड कर देंगे, इसका मतलब ये ना, आप पढ़े लिखे हो। फिर उसके बाद उसने शायद उनको पता था कि आप खतरे में हैं तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप भी साइड हो जाओ। हाँ, जब मेरे अनकंड साइड हो जाओ। उसके बाद उसने क्या किया कि फिर जब उसने बोला भाई वो बीच में क्यों पड़ता है, मेरे पर एलिगेशन उसने लगाया कि बीच में क्यों पड़ता है। भाई किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना, अगर मैंने उस पर लगाया है तो आइए DDC साहब को आइए बैठ के बात करेंगे। अगर मैंने कोई गलत एलिगेशन उसके ऊपर लगाया है तो मेरे लिए भी कानून है। मैं उसको, वो मेरा थ्री टायर का हिस्सा है तो वो मेरे खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकता है और मुझे सस्पेंड भी कर सकता है किसी। अगर उसने मेरे पर गलत एलिगेशन लगाया, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके बोला तो फिर मेरे लिए, तो मेरे लिए कानून है। कानून से पहले तो मैंने एप्लीकेशन दी हुई है पुलिस चौकी में। अच्छा, आपने जो है वो 2 अक्यूज्ड के ऊपर जो है वो एप्लीकेशन दायर करवाई पुलिस स्टेशन में, क्या जो है वहाँ से रिजल्ट आया आपको पुलिस स्टेशन से, क्या कब तक जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? मैं दोनों के इसलिए दी है, जो बाकी लोगों के अनजान कॉल मेरे पास थी आती थी, मैं उनको जानता जा, दिन में भी वो मेरे अनजान अननोन नंबरों से भी आपको कॉल्स आई हैं, जो दिन में मेरे बस स्टैंड पे मेरे पीछे पड़ जाते थे, चंदी मर जाता था, मैं पूछता कौन, वो बताएंगे ना किसने बोला पाया आपको कि ये आदमी ने ये काम करता। उसके बाद मैंने इनके नाम दिया, जब उसने मुझे पूछा मंजूर मिला, फिर मैंने उसको पूछा भाई आप गौशाला के नाम पे यहाँ 2 साल से पैसे बैठे हो, मुझे ये बताओ कि आपने एक गाय पकड़ी है, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए पूरी गवर्नमेंट से। ऐसे अगर उसने 2 साल में कुछ प्रूफ किया है जिसके नाम पे यहाँ बैठा हुआ है, मुझे सुनने में आया कि वो गौशाला का कोई मेम्बर है, तो चलो ठीक है, अगर अच्छी बात है, अगर वो किसी गवर्नमेंट किसी मजहब से या किसी को उसको दिया हुआ है तो हम उसकी खैर मकदम करते हैं। पर मुझे ये बताओ आज तक उसने कभी भी कोई एक चीज़ प्रूफ करके दी है, तो उसके नाम पे अगर ये बैठ के एक PR को बोलता कि तू कौन होता है, वो किस शहर पे यहाँ बैठा हुआ है, मुझे मेरा भी हक है ना पूछना, अगर मेरे मोहल्ले में कोई अनजान आदमी आ जाए या मैं चला जाऊँ उसके गाँव में, वो पूछता है तू कौन होता है, वो इसका मतलब मुकुन, अगर इसके लिए हमारे पास इसका मतलब ये है कि इस इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है वो इलेक्टेड लोग हैं जो PR आई हैं, उनकी कोई इज्जत का कोई दजियाँ उड़ा रहे हैं, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है? सरफराज जी, बात ऐसे है, अगर मेरे जैसा कोई PR चला जाए किसी ऑफिसर के पास तो वो पहले तो देखता ही नहीं हमारे, ये तो मैं दावे के खास 4-5 साल तो मुझे भी हो गए, मेरे को तो बेवकूफ़ नहीं, बच्चा नहीं हो, तो दुनिया मैंने भी देखी है, पूरी इंडिया में मैं भी घूम के आया हूँ, मेरी तालीम कम है, मगर मैं कहता हूँ अगर बिठाइए MA BA पढ़े हुए मेरी जवाब बात का कोई जवाब दे गया तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि उधर ये वो बैठा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसने उसका काम है अपना काम करना, मैं बोलता 2 साल से वो यहाँ बैठ रहा है, अगर मान लो कहीं वो अगर आ रहा है आजकल, मैं गवर्नमेंट को कहता हूँ फिर या तो ये अफसर, सब अफसर तो करप्ट होते नहीं हैं, सब ऑफिसर करप्ट होते नहीं हैं, तो सब अफसर ईमानदार भी नहीं होते, सब पंचायत के भी लोग ईमानदार नहीं होते, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। मैं फिर मेरे भी साथी हैं इस वक्त, मेरे भी पंचायत के साथी हैं, मुझे उनसे भी गिला है। अगर मान लो आपके मीडिया वालों से एक से के साथ बात सुलूकी हुई, आप पूरे धरने पे बैठ के, मैं शर्म आती है मुझे अपने साथियों पर कि भाई यार आपके एक साथी पर एलिगेशन लगाया गया, आपने मुँह छुपा के कहीं बिल में छुपे हुए, इसका मतलब है कहीं मुझे शक लगता है आप ही, आपको भी कोई मिठाई को खा रहे हो आप, इसकी जो मिठाई की वजह से आप सामने नहीं आ रहे हो। अगर मैं खुले दिल से मैं ईमानदारी से कहता हूँ, अभी मेरे इतनी पंचायत में से एक PR आई इसके ऊपर जो है वो एलिगेशन लगा या उसको थ्रेड जो है वो अननोन नंबरों से आई है, बाकी पंचायत वाले जो है वो साइड हो गए हैं। मैं कहता हूँ खुदा की कसम आपकी हेल्प के लिए वो आगे नहीं निकले, 7 मेंबर हैं। चलो सरपंच का तो टारगेट किया, पहले सरपंच को बोला पाई कि पंच और सरपंच ने यहाँ बंद किया हुआ माल, पर सरपंच का अपना मसला, मैंने कहता पर जहाँ जहाँ बात चलती रही सैला पुन कहते हैं सरपंच और पंच ने ये यहाँ बंद किया हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ अगर पूरा होम डिपार्टमेंट पंच और सरपंच के पास है, किस 30 में किस एक्ट में लिखा हुआ, जब हमारा पंचायत का कंस्टिट्यूंसी उठा के देख लीजिए, फिर वो अगर वो लोग किसी आदमी को टारगेट कर रहे हैं, मैं कहता हूँ उनको उनके लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद फिर जो अपना मंजूर मनास के लिए मैं से बोला, देखो मैं एक PR हूँ, मुझे लोगों ने बनाया है, अगर मैं किसी ऑफिसर के पास जाऊँ किसी अफसर के पास, वो तो समझता नहीं कि ये PR है कौन है, वो तो सब जनाब जनाब
वो ब्लैक तो सब जो है वो यहाँ जितने भी ऑफिसर हैं वो इस कुर्सी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वो पी आर के बन के अगर उसको किसी तरजीम ने या किसी ने दी हुई है कि आप आई वहाँ जाइए गौशाला के नाम पे, उसको जहाँ इधर से सूट चलते, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, मैं भी तो पी आर था ना, मैं भी गाड़ी ले सकता। ये जब ये 4 साल पहले यहाँ ये पैदल चलता था, आज इसके पास गाड़ियाँ हैं, अपने क्या नाम है उसका अपना मनी माफिया रेत माफिया ये है, पीछे से डुगरे में से मशीन लगा के रखी है, ये खुद बैठा आगे। आज तक मैं मानता हूँ अगर ये बोलता है मैं बीजेपी के साथ हूँ, हम भी बीजेपी के हैं, जब गवर्नमेंट जिसकी गवर्नमेंट होता है पी आर उसी का होता है, लगती गवर्नमेंट के साथ हैं हम किसी अनपेंडिंग लड़े थे हम ना। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको देख भी रहे हैं, क्या जो है वो आपकी अपील रहेगी एलजी इंतजामिया से या हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि किस तरह की जो है वो कार्रवाई आप अमल में लाना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जो मेरे ब्रामगला की आवाम है, मैं उनको उनसे ये अपील करना चाहता हूँ, अगर DDC है, अगर वो कोई बीजेपी का लीडर भेज के बना के भेजा हुआ है, मैं भी PR हूँ, मैं भी गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, अगर उसी उसको गवर्नमेंट ने एक पावर दे के यहाँ भेजा हुआ है मंजूर मनास को, वो बैठे हैं अफसर हमारी इंक्वायरी करें, और उस इंक्वायरी में मैं गलत पाता हूँ मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई, अगर वो गलत पाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एप्लीकेशन जो आपने लगाई है उसमें आपने 2 अक्यूज का नाम लिखा है, जिसमें जो है वो DDC रियाज साहब का नाम भी जो है वो उस एप्लीकेशन में है जो पुलिस थाने में दायर हुई है, ठीक, इसका मतलब ये है कि जो DDC साहब हैं वो भी इसमें जो है वो मुलव्वस हो सकते हैं, या जिस तरह से उन्होंने आपको फ़ोन कॉल किया कि आप रास्ता छोड़ दें? मैंने DDC साहब के नाम इसलिए दिया हुआ है कि DDC साहब इस वक्त ब्लॉक के एक मालिक हैं, उनको किसी के कहने पर मेरे पर एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। अगर DDC भी PR है उसकी भी इज्जत है, अगर एक पटवारी होता है एक क्लार्क होता है वो भी PR वो भी मुलाजम होता है, उसकी भी इज्जत होती है, उसकी भी फैमिली होती है, उसकी भी रिश्तेदारी होती है, ये नहीं है कि को बड़ा होगा तो उसकी ज़्यादा इज्जत होगी, इज्जत सब की बराबर होती है। मैंने उसको इसलिए लगाई है, अगर आपने मुझे श्रीनगर से बोला था मैंने आपको फैद लगाई, आपने हाल क्यों किया? मैंने उसको बोला इसलिए एप्लीकेशन लगाया कि आप आइए, आपको मैंने मंजूर मनास के बारे में बताया कि ये बात है, आप श्रीनगर से आए फिर आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं, फिर आपने सुबह रुके क्यों नहीं, आपने फिर क्लीन चिट दी थी उनको तो मुझे आपने दोषी ठहरा दिया। मगर अगर मैं अगर आप आइए बैठिए, ये ब्रामगला की पब्लिक आवाम देखेगी कि एक तारक पेंच है तो करप्ट है, तो दुनिया को मैं फिर लाइव आऊँगा जब जिन हम बैठेंगे इंक्वायरी होगी, अगर वो है तो फिर उस टाइम आपको भी आना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं सहारा लूँगा। अगर पहले तो मैं कानून के सभा अपने इंक्वायरी होती है तो वेलकम, अगर नहीं होती उसके बाद अगर हिंदुस्तान के अंदर एक आइन ना हो तो दिन में एक दूसरे को मार दे, अभी आइन बचा हुआ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी बचा हुआ है, हमारा फंडामेंटल राइट बचा हुआ है, तो मैं कोर्ट का दरवाज़ा तो ठिड़काऊँगा, चाहे उसमें मुझे अपनी इज्जत से दूसरे की। शुक्रिया। धमकी पे धमकी आ रही है पापा को, तो जो धमकी दे रहे हैं वो DDC हैं, रात के 12 बजे उनका फ़ोन आता है कि इसको साइड कर देंगे हम, या फिर बोलेंगे लोगों के माल मवेशी मतलब कि गाड़ियाँ रुकी हुई हैं तो इसको समझाओ इसको साइड कर दो, रात के 12 बजे मतलब कि फ़ोन आता है, जो माल मवेशी गाड़ियों के ड्राइवर हैं उनके भी फ़ोन आते हैं पापा को, धमकी पे धमकी आती है, ना तो हमें सरपंच कुछ देने वाली है तो ना बाकी के पंच देने वाले हैं। तो रही बात इसकी, बाकी के जो पंच है वो नहीं बोल रहे, अगर ये पंच रिश्वत नहीं खा रहा तो अगर आप इसका मतलब है बाकी के पंच को मिठाई मिल रही है, वो अपने अपने घरों में चुप करके बैठे हुए हैं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही मतलब कि उनको यही पैगाम देना चाहती हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूंछ से भी कि इस मसले की कार्रवाई की जाए, तो मतलब धमकियों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक दिल में डर बैठ जाता है। उसके बाद जो यहाँ के पंच हैं, पंच सरपंच DDC उनको मुबारकबाद हो, पंचों को भी मुबारकबाद हो कि आपके साथ की अगर पंच की ये हालत हो रही है तो आपको मुबारकबाद होनी चाहिए, आप घरों में अपने कामों में सोए हुए हो, अपने पैसे कमा रहे हो, इसका मतलब बाकी के पंचों को मिठाई मिल रही है वो खा रहे हैं बैठ के चुप करके, अगर ये पंच मिठाई नहीं खाना चाहता रिश्वत नहीं खाना चाहता तो इसको हर बात का ब्लेम क्यों किया जा रहा है, हाँ टॉर्चर किया जा रहा है रात के 12 बजे। जिस दिन जो है वो इनको थ्रेट आई है, फ़ोन कॉल्स आए हैं, ठीक, आप यहीं फैमिली में थे? यहीं पे रात को इधर ही थे। क्या कुछ सुनने में आया इनको जो है वो कितने कॉल्स आए और कॉल्स में जो है वो क्या कुछ बता रहे थे? हमारे पास में तो कॉल्स रिगार्डिंग है पापा के पास, तो पहले तो DDC की कॉल आती है, वो मम्मा से बात, पापा को फ़ोन आया, मम्मा ने फ़ोन लिया पापा से, बात की DDC से हमने, उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले बात तो हमारे चाचुओं को भी भड़काया हुआ है हमारे खिलाफ, इस टाइम हमारे घर के भी खिलाफ हैं, हमारे बाहर के तो छोड़ो रहन दो, हमारे घर के भी खिलाफ हैं इस टाइम। तो DDC ने यही बात रजौरी हमारे चाचू को की कि जो ये पंच है इसको बोलो साइट हो जाए, लोगों गरीबों की और मिस्कीनों की बददुआ ना ले, तो अगर ये मतलब पापा अगर बददुआ ले रहे हैं, लोगों की गाड़ियाँ रुकवा रहे हैं,
जो कानून सबके लिए है। अगर मेरे पापा की इसमें कोई बात आ रही है तो एक्शन लो, इस पर भी, इस बेंच पर भी एक्शन लो अगर ये देता है तो। यहाँ के जो महकमा है, पुलिस से लेकर जितनी पंचायत के अंडर में जो जो अपने पंच, सरपंच, नायब सरपंच, DDC सब मिले हुए हैं। हमारी फैमिली को खतरा है, हमारी फैमिली को इसलिए खतरा है क्योंकि लोग खिलाफ होते हैं, जब अपने घर के भी खिलाफ हो जाए ना फिर हमें मजबूरी तौर मीडिया के सामने आना पड़ता है। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि PRS जो हैं, यानी हमारी पंचायत जो है, ये लोगों के फैसले के लिए बनाई जाती है। अगर पंचायत में ही खुद पंचायत के मेंबरों के ऊपर जो है वो इस तरह के कलैश हो रहे हैं तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि इनके फैसले जो है वो फिर कौन करेगा। इनका साफ तौर पे कहना है कि मुझे अननोन नंबरों से हैं वो कुछ कॉल्स आई हैं कि आपने जो है वो यहाँ पे कुछ नाका लगाया हुआ है, ट्रैफिक को जाम किया हुआ है। कौन सी ट्रैफिक है, वो बॉइन स्मगलिंग है या कौन सी ट्रैफिक है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो है वो एलिगेशन लगाया गया है कि आपने जो है वो इस रोड के ऊपर कुछ रिकावट जो है वो डाली हुई है, उसी बिना पर जो है वो इन्होंने पुलिस स्टेशन बरमगला में अपनी एप्लीकेशन को दायर किया हुआ है और पुलिस ने जो है वो इन्हें आश्वासन दिया है कि कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। अब देखते हैं पुलिस जो है वो क्या कार्रवाई अमल में लाएगी। उसके बाद इन्होंने कहा है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मैं जो है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। मज़ीद अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। सरफराज खान, स्टेट समाचार TV, पुंछ।